हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति दादा साहब फाल्के पुरस्कार डिस्कस करेंगे। लूसेंट का विविध में दिया हुआ है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है, आप तक पहुँचाया जा रहा है। माई नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। और हमारे चैनल अगर आपको अच्छा लगता है और अच्छे लेक्चर मिलते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, दादा साहब फाल्के पुरस्कार देख लेते हैं। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक या भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के ने भारत में पहली पिक्चर बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब फाल्के निर्देशक थे उसके 1912 में। पिक्चर का नाम था राजा हरिश्चंद्र। वो मूकी फिल्म थी, तो भारत की जो पहली मूकी फिल्म थी, उस टाइम पे मूकी फिल्म चलती थी, तो भारत की पहली मूकी फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र 1912 में, जिसके निर्देशक दादा साहब फाल्के ही थे। तो याद रखना, यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के को दिया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 10 लाख रुपए नगद, स्वर्ण कमल और 1 साल प्रदान किया जाता है। तो राशि भी आ सकती है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए राशि दी जाती है। तो याद रखना है, 10 लाख रुपए राशि दी जाती है। अब देखते हैं किस किस को मिला है। उसके बाद देखिए, नोट है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन। तो यार, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और इसकी स्थापना कब हुई थी, कभी पूछा जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी स्थापना। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारतीय सिनेमा में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो अब देखते हैं आगे, देखते हैं किस किस को मिला है। तो देखिए, 1969 में स्थापना हुई थी, तो 1969 में पहला किसको मिला था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहला मिला था देविका रानी रोरिक को मिला था। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, दादा साहब पुरस्कार पहला किसको दिया गया था, प्रथम किसको मिला था? तो देविका रानी रोरिक को 1969 में। देविका रानी रोरिक नाम याद रखें इनका, देविका रानी रोरिक। फिर 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार को ये बंगाली भाषा के लिए मिला था, बंगाली फिल्म के लिए मिला था। तो बंगाली फिल्म का पहला किसे मिला? वीरेंद्र नाथ सरकार को। फिर 1971 में पृथ्वीराज कपूर को मिलता है, और पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत मिलता है। तो जब इनको मरणोपरांत मिला, तो मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए पृथ्वीराज कपूर। तो डायरेक्ट आ सकता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत पहला किसको मिला था? पृथ्वीराज कपूर को। फिर पंकज मलिक को मिलता है। सुलोचना रूबी नायर को मिला 1973 में। 1974 में बी एन रेड्डी। तो देखिए, वीडियो को एक बार देख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा अभी आया पेपर में। 1975 में धीरेन गांगुली को मिलता है। 1976 में कनक देवी। 1977 में नितिन बोस। 78 में रायचंद्र बोराल। 79 में सौरभ मोदी, पी जयराज को मिला। नौसाद अली को मिलता है, बी एल प्रसाद को मिलता है, दुर्गा खटे, सत्यजीत रे, ये इंपॉर्टेंट है। 1984 में सत्यजीत रे को मिला है, सत्यजीत रे को 1984 में। सत्यजीत रे को ऑस्कर भी मिला है, आपको पता होगा सत्यजीत रे को ऑस्कर भी मिला है।
1985 में वी शांताराम को मिला, बी नाग रेड्डी को मिला, राज कपूर को मिला। देखिए राज कपूर को 1987 में, अशोक कुमार आप जानते होंगे अशोक कुमार को, तो 1988 में अशोक कुमार, ये इंपॉर्टेंट है। 1989 में लता मंगेशकर जी को मिला था, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार लता मंगेशकर जी को मिला था। प्रथम गायक थी ये, पुरस्कार पाने वाली प्रथम गायक थी। भारत रत्न भी मिला हुआ इन्हें 2001 में, तो एकमात्र महिला है अभी वर्तमान में देखा जाए तो लता मंगेशकर, जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 और 2001 में भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर। उसके बाद देखिए नागेश राव को भी मिला था, बालाजी पेंडारकर को भी मिला है, भूपेन हजारिका को, इंपॉर्टेंट है भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न भी मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1992 में भूपेन हजारिका आसाम के गीतकार हैं, आसाम के गीतकार भूपेन हजारिका को भी मिला है 1992 में, याद रखना है। उसके बाद देखिए मजरूह सुल्तानपुरी को भी मिला है, दिलीप कुमार को मिला है, इंपॉर्टेंट है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का असली नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान, मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार का असली नाम था, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उस हिसाब से बताएंगे। 1995 में राजकुमार को मिला था, राजकुमार, और 1996 में शिवाजी गणेशन को मिला है, शिवाजी गणेशन। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है एक कवि प्रदीप, 1997 में कवि प्रदीप को मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से 1997 में कवि प्रदीप। कवि प्रदीप का असली नाम था, पूछा जाता है, रामचंद्र नारायण द्विवेदी आ सकता है। कवि प्रदीप का असली नाम क्या था? रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, और इन्होंने एक गीत लिखे हैं, बहुत ही अच्छा गीत है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। तो याला जो गीत है 1962 के बाद लिखे थे, 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसके बाद याला गीत लिखे थे इन्होंने, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ये गीत कवि प्रदीप जी ने लिखे हैं, और गाया किसने था? लता मंगेशकर जी ने लिखे थे इनने, गाए थे लता मंगेशकर जी ने, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है। कवि प्रदीप, बी आर चोपड़ा को भी मिला है दादा साहब फाल्के, ऋषिकेश मुखर्जी, आशा घोसले को भी मिला है। देखिए आशा घोसले को 2000 में मिला है, आशा घोसले को, यश चोपड़ा को भी मिला है 2001 में, देवानंद 2002 में देवानंद को भी मिला है, मृणाल सेन को भी मिला है 2003 में, अंडूर गोपाल कृष्णन को भी मिला है 2004 में, श्याम बेनेगल को मिला है, तपन सिन्हा को मिला 2006 में, माँ नाडे को भी मिला 2007 में, वी के मूर्ति, डी रामा नायडू को मिला है, के बाल चंद्रन को 2010 में, सौमित्र चटर्जी को मिला है 2011 में, सौमित्र चटर्जी, ये प्राण प्राण को आप जानते हैं, प्राण 2012 में, गुलजार को मिला, इंपॉर्टेंट है गुलजार को 2013 में गुलजार गुलजार को ऑस्कर भी मिला है, गुलजार को संपूर्ण सिंह कलाकार के क्षेत्र में दिया गया गुलजार को दो है, तो गीतकार गुलजार को भी दादा साहब फाल्के मिला है। उसके बाद यहां से इंपॉर्टेंट है 2013 के बाद, इनको पूरे को याद रखिए। तो देखिए 2013 में गुलजार को मिला, 2014 में शशि कपूर को मिला है, शशि कपूर का असली नाम बलवीर पृथ्वीराज कपूर 2014 में मिला है, याद रखना है। 2015 में मनोज कुमार को मिला है, इंपॉर्टेंट है, 2015 में मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। 2016 इंपॉर्टेंट है, 2016 में कसीन थुनी नाम है उनका, कसीन थुनी
विश्वनाथ, पूरा नाम है उनका कसीन थुनी विश्वनाथ को मिला है, कसीन थुनी विश्वनाथ को, फिल्म निर्देशक थे ये, कसीन थुनी विश्वनाथ को मिला 2016 में दादा साहब फाल्के। 2017 में इम्पॉर्टेंट है विनोद खन्ना, 2017 में इम्पॉर्टेंट है विनोद खन्ना को मिला है। 2018 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2018 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अमिताभ बच्चन जी को, अमिताभ बच्चन को मिला है, याद रखना है अमिताभ बच्चन जी को मिला, तो 2018 का अमिताभ बच्चन को मिला तो इम्पॉर्टेंट है। इधर पीछे के तो याद रखें, 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 21वीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को मिला है, 2017 का विनोद खन्ना को मिला, 2016 का कसीन थुनी विश्वनाथन को मिला, निर्देशक थे ये, मनोज कुमार को मिला 2015 में, 2014 का मिला था शशि कपूर को, बलवीर पृथ्वीराज कपूर नाम है इनका पूरा, गुलजार को मिला 2013 का, 2012 का मिला प्राण को, तो यहाँ तक 2012 से इतने याद रखें पूरे, कुछ भी पूछा जा सकता है। 2018 का तो अमिताभ बच्चन को मिला है, और पहला किसको मिला था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहला वाला तो आता ही है, पहला मिला था देविका रानी रोरिक को, देविका रानी रोरिक को 1969 में, और स्थापना कब हुई थी 1969 में ही हुई है इसकी स्थापना। और देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और प्रथम बंगाली फिल्म वाला कौन सा मिला, किसे मिला था प्रथम बंगाली फिल्म वाला निर्माता, तो वीरेंद्रनाथ सरकार को, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम गीतकार पूछा कभी, प्रथम गीतकार लता मंगेशकर को मिला था। उसके बाद तो ये था लेक्चर, याद रखना है भारतीय सिनेमा उद्योग का पितामह कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के। पहली पिक्चर बनाए थे इनने 1912 में भारत की राजा हरिश्चंद्र, जो पहली मूकी फिल्म थी, मूकी फिल्म के बाद दूसरी बोलती फिल्म आई थी जिसका नाम था आलम आरा, तो ये भी याद रखना है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले विजेता व्यक्ति डिस्कस कर रहे थे अपन, तो इस लेक्चर में इतना ही समझ में आ गया होगा आपको। आपको अगर हमारा ये प्रयास अगर पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। धन्यवाद।